समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर 2024 का आगाज कर दिया है, लेकिन पहली सूची जारी होने के कुछ घंटे बाद ही पार्टी में बगावती सुर भी उठने लगे हैं। आलम ये हुआ कि सपा के एक बड़े नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। प्रत्याशियों की सूची आते ही दिग्गज नेता मनोज यादव ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। खबरों के मुताबिक मैनपुरी से फिर से डिंपल यादव को टिकट देने से उद्योगपति मनोज यादव नाराज थे। इस्तीफे के साथ ही मनोज ने सपा पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए, साथ ही अपने इस्तीफे की वजह सपा की पारिवारिक कलह को बताया। जानकारी के लिए बता दें कि मनोज यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी नेता थे और वो करहल विधानसभा के नगला राजा के रहने वाले हैं, जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक हैं। बताया जाता है कि मुलायम सिंह के निधन के बाद जब मैनपुरी की सीट पर उपचुनाव हुआ था तो मनोज यादव का डिंपल यादव को जीत दिलाने में अहम रोल था। अपने इस्तीफे के साथ ही मनोज यादव ने बीजेपी की ओर जाने का इशारा भी किया। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जहां सपा पर कई आरोप लगाए तो दूसरी ओर बीजेपी की जमकर तारीफ की। लेकिन मनोज यादव के इस्तीफे को लेकर सपा की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। बता दें कि साल 2016 में सपा के टिकट पर घिरौर के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर मनोज यादव का सपा से जाना मैनपुरी जिले में सपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि वो भले ही राजनीति में कम एक्टिव दिखे लेकिन बैकडोर से सपा को सपोर्ट करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि उनके जाने से सपा को फायदा होता है या नुकसान, वो तो अब चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा।